आखिरी सवाल जैद भाई आपसे है, सवाल यह है कि आमतौर पर देखा यह गया है कि वो तमाम लोग हमारे समाज या हमारी सोसाइटी से जो इस्तेआत रखते हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी है अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाने की या भारी फीसेस देने की, वो प्रीफर करते हैं कि इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाएं, अपने बच्चों को उर्दू स्कूलों के करीब से गुजरने भी नहीं देते, एक आम परसेप्शन ये है। और जो बेचारे माशी तौर पर कमज़ोर लोग हैं, जिनको ये लगता है कि वो भारी भारी फीसेस और बच्चों के बहुत बड़े बड़े खर्चे पढ़ाई के नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो अपने बच्चों को उर्दू स्कूल की तरफ लेके जाते हैं, तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन क्या मौजूद है? देखिए यहाँ पर जैसे कि आपने बिल्कुल और सही कहा, इसमें मैं और सवाल को पूरा कर दूं, क्या इस्लाम का लैंग्वेज को लेकर कोई नुक्ता नजर है? जी, जैसे कि आपके कमेंट में आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो टॉपिक है ये लैंग्वेज के डिस्कशन से ऊपर का मौजू जो आपका मौजू है एजुकेशन और मुस्लिम। जी जी जी, अब ये मौजू का इंसाफ के साथ इंसाफ तब होगा जब हम ये लैंग्वेज से ऊपर उठकर ये सोचेंगे। क्यों? क्योंकि हर चीज में मकसद ये होता है एजुकेशन हासिल करना। अगर मान लीजिए कि लोगों का परसेप्शन ये चेंज होता है कि सबसे आला मेयार की तालीम सिर्फ हमारी उर्दू मीडियम स्कूल्स में मिल रही है, जो टॉप ऑफ द मार्केट बेस्ट स्टैंडर्ड, क्योंकि ये बात तो अंडरस्टूड और नोन है कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग अपने मेंटल कैपेसिटी का 10% भी इस्तेमाल नहीं करता। अल्लाह ने कैपेसिटी बहुत सारी दी है और वो कैपेसिटी के अंदर बहुत मुमकिन है, बल्कि वो जो एज होती है लैंग्वेजेस सीखने की, वो एज के अंदर जितनी लैंग्वेजेस बढ़ा दी जाए उतनी कैपेसिटी और ओपन अप होती है, उसमें कोई वो कमी नहीं होती है, कैपेसिटी कम नहीं हो रही, बल्कि एक अनयूज कैपेसिटी होती है जो एक शख्स इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जो लोगों में एक परसेप्शन है कि बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें फला मिशनरी स्कूल में मिलेगी या फला इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिलेगी, ये परसेप्शन है जो मेन बात है। तो हम ये देखें कि कैसे हमारे तालीमी इदारों के स्टैंडर्ड्स और बेटर हो सकते हैं, जैसे इस्लाम ने सिखाया है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इन्नल्लाह जमीलुन हुब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। जो कुछ कर रहा है एक इंसान बेस्ट तरीके से करे, खूबसूरत तरीके से करे। आप एंकर हैं, आप खूबसूरती से एंकर का काम करें, हम लोग पैनलिस्ट हैं, हम खूबसूरती से वो काम करें, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई सोशल सर्विस इंस्टीट्यूट है, मीडिया इंस्टीट्यूट है, वो सब अपने काम को बेहतरीन तौर पर करें, वो एक रिक्वायर्ड चीज है इस्लाम में। हम ये देखते हैं कि इस्लाम ने वो लिबरेटिंग चीज इंसानों के सामने लाई थी जिससे कि लोगों के माइंड्स लिबरेट हुए कई ब्लाइंड बिलीफ से, अंधविश्वास से। जब अल्लाह ताला ने कुरान में कहा 24 जगहों पर अफला ताकिलून, क्या अकल नहीं इस्तेमाल करोगे, कई जगहों पर अल्लाह ताला ने जब कहा अफला तुबसिरून, क्या तुम लोग देखोगे नहीं, अफला ततफक्करून, क्या तुम लोग गौर नहीं करोगे, तो हम देखते हैं कि जब कुरान नाजिल हुआ तो अरबों का क्या हाल था। ये हाल था कि सबसे जाहिल कौम जिसमें लिखना पढ़ना बिल्कुल रेयर बात थी, लिटरेसी बहुत कम थी, और हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेशन और लिटरेसी को इस कदर इनकरेज किया कि आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाइए कि मुस्नद अहमद की सही हदीस है कि जो बद्र के जंग के जो कैदी थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें आजाद होना है, युअल्लिमु औलादल अंसारुल किताबता, आजाद होना है तो इतने साल के बच्चों को तुम लोग लिखना पढ़ना सिखाओ। इमेजिन करिए, वो थे जंग करने आए थे, दुश्मन थे, और दुश्मन को बना दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टीचर, दुश्मन की नॉलेज से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फायदा उठाया, और हम ये आज तक सीख रहे हैं कि भाई कहीं अगर किसी के पास कोई कैपेसिटी है, कोई कैपेबिलिटी है, तो हम उस चीज का इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पर अगर लोगों में परसेप्शन चेंज होता है तो वो कोई दूर बात नहीं है कि लोग लाइन लगाएंगे उर्दू स्कूल के पास कि अरे हम लोगों को एडमिशन चाहिए किसी तरह से, और अल्हम्दुलिल्लाह कई जगहों पर सिनेरियो ऐसा चेंज हो भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि इन्होंने इंडिकेट किया।